आज की रेसिपी इतनी शाही और इतनी गजब बनने वाली है ना कि घर में तो सब लोगों ने खा खा के, पापा का पेट नहीं भरा था ना तो उन्होंने बाद में फिर से खाया। तो आज हम बनाने जा रहे हैं बिल्कुल तवा पे आपको तंदूरी नान बनेगी, बिल्कुल आटे की बिल्कुल बनकर तैयार होगी। और ये है बिल्कुल शाही सब्जी जिसका नाम है काजू और मखाने की करी, या फिर आप जो भी बोल सकते हैं। और इतनी सॉफ्ट नान, ओफो, तो बिल्कुल ढाबा वाली फीलिंग आने वाली है। तो बस शुरू करते हैं बनाना झटपट। आप भी इस थाली को डिनर में बना सकते हैं और पूरे घर वालों को खुश कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं। हरे कृष्णा। तो रेसिपीज अच्छी लग रही है तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर कर दीजिएगा। और इसी तरह मैं और भी नई नई रेसिपीज लाती रहूंगी। और आप मेरे फेसबुक पेज और मेरे जो इंस्टाग्राम है उसमें भी आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। तो उसके लिए आपको लिंक में चेक करना पड़ेगा, क्लिक करना पड़ेगा, जो कि डिस्क्रिप्शन में गिवन है। तो चलिए जल्दी से जल्दी। तो यहाँ पर हम बनाने जैसे जा रहे हैं मखाने और काजू की सब्जी या करी, और इतनी शाही बनने वाली है। तो यहाँ पर हमने जो कप का साइज देख रहे हैं, ये हमने 2 कप हमने मखाना लिया, वो बिल्कुल अच्छी क्वालिटी का फूला फूला मखाना है। छोटू वाला मत लीजिएगा, जिसको हम लोग टोरी बोलते हैं, मीन्स कि बहुत हार्ड होता है, वो नहीं लेना है। और यहाँ पर हमने 25 लगभग काजू ले लिए, बिल्कुल खड़े काजू लिए हुए हैं। अब यहाँ पर हमने 3 टमाटर ले लिए, 2 हरी मिर्च ले ली, अदरक हमने 1 इंच में बिल्कुल छील कर पील ऑफ कर लिया। देन उसके बाद हमने प्याज ले लिया, तो 3 प्याज हैं। और ये जो लगभग 10 ये जो काजू है ना, वो हम ग्रेवी में यूज़ करेंगे। कैसे करते हैं आप देखते जाइए, बहुत ही झटपट ये सब्जी तो बिल्कुल झटपट बन के हो जाएगी तैयार। एक पैन हमने लिया, इसमें हमने सबसे पहले 2 स्पून हमने घी डाला हुआ है, तो घी ही डालना है क्योंकि शाही सब्जी बन के बिल्कुल तैयार होगी। अब यहाँ पर हमने मखाने डाल दिए हैं, तो मखानों को आपको बिल्कुल लो फ्लेम में बिल्कुल चला चला के आपको रोस्ट कर लेना है। लगभग 2 मिनट आपको करना है, तब तक ये रोस्ट हो जाएंगे। इतना कि ठंडा होने के बाद ना ये आपसे बिल्कुल क्रिस्पी हो जाएंगे, कड़क से टूट जाएंगे, इतना आपको कर लेना है। तो ये मखाने यहाँ पर रोस्ट हो गए हैं घी में। अब उसके बाद किसकी टर्न आती है, काजू की। तो घी में हमने काजू भी रोस्ट कर लेना है, तो हमने 1 स्पून यहाँ पर हम डालेंगे घी अगेन, और फिर उसके बाद हम काजुओं को रोस्ट कर लेंगे। तो फ्लेम को आपको लो रखना, नहीं तो काजू जल जाएंगे। तो यहाँ पर फिर चलाते हुए बिल्कुल जब हल्का सा ब्राउनिश कलर आ जाए ना, तब तक आपको इसको करना है, फिर इसको भी आपको निकाल लेना है। तो इस तरह से देखिए बढ़िया इनके काजू भी रोस्ट हो गए हैं, पूरा सोख हो गया घी इसमें भी, और फिर उसके बाद हमें इन्हें निकाल लेना है। अब हमारी टर्न आती है कि ग्रेवी के प्रिपरेशन हमें करनी है। तो अब हम क्या करेंगे, तो हम यहाँ पर मस्टर्ड ऑयल का यूज़ करेंगे, या फिर आप कोई भी वेजिटेबल ऑयल जो आपके यहाँ ऑयल चलता हो वो आप यूज़ कर सकते हैं। हमारे नॉर्थ साइड में तो जैसे मैंने बताया मस्टर्ड ऑयल हम लोग कंपल्सरी यूज़ करते ही करते हैं। तो यहाँ पर ये देखिए हमने काजू भी निकाल लिए हैं। अब हम यहाँ पर सरसों का तेल डालते हैं। तो सरसों का तेल हमने लगभग यहाँ पर 4 या 3-4 टेबल स्पून हमने डाला हुआ है, आप देख सकते हैं जैसे कि। और फिर उसके बाद 1 यहाँ पर तेज पत्ता हमने तोड़ के डाल दिया, इसमें ज़्यादा खड़े मसाले पड़ने ही नहीं है, गर्म मसाले। और फिर उसके बाद 1 हमने बड़ी इलायची डाल दी, सिर्फ 1 बड़ी इलायची डाली हुई है। अब यहाँ पर जो हरी मिर्च थी वो हमने काट के डाल दिया, और जो प्याज है हमने ऐसे ही डाल दिया, अदरक डाल दिया, सब कुछ जो हमने अभी टमाटर भी इसमें हम ऐसे ही तुरंत आपको डाल देना है। यहाँ पर एक चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है कि मैं यहाँ पर प्याज जो है ना कट करके डाल रही हूँ, तो यहाँ पर जो है छींटे जो तुरंत हैं वो बिल्कुल होंगे, तो थोड़ा सा ये हार्मफुल हो सकता है। क्योंकि अभी तो मैं तो मतलब बिल्कुल बना रही हूँ, तो मुझे तो इसका पता है नहीं। तो आप क्या करिएगा, ये सब पहले से कट करके रख लीजिएगा, फिर एकदम से डाल दीजिएगा। तो मुझे पता है, तो मैं मतलब इतना हैंडल कर लेती हूँ, तो इसलिए मैंने यहाँ पर तुरंत मैंने काट के डाल दिया। और इसको मैं अच्छे से स॑टे कर लूँगी। और यहाँ पर लहसुन मैंने लगभग कलियाँ ली हुई हैं, 8-9 लहसुन की कलियाँ ली हुई हैं। इनको देखिए इस तरह से मैंने सॉटे कर लिया लगभग 1/2 मिनट के लिए, और फिर तुरंत ही मैंने काजू भी डाल दिया। अब मैं यहाँ पर लगभग मैं 4 टेबल स्पून पानी डाल दूंगी। पहले तो टमाटर कट करके इसी तरह से डाल लीजिए, रफली आपको कट करना है, और फिर उसके बाद यहाँ पर डाल दीजिएगा पानी। तो पानी यहाँ पर बहुत ज़्यादा नहीं भरना, बिल्कुल भी नहीं भरना, लगभग 4-5 टेबल स्पून फुल आपको पानी डालना है बस। क्योंकि हमें ये जो हमने सारा मिक्सर डाला है ना, इसको हमें मीडियम फ्लेम में, लो भी नहीं करना, मीडियम फ्लेम में आपको इसको कुक करना है। तो यहाँ पर हमने देखिए पानी डाल दिया। अब हम इसको कवर करके रख देंगे लगभग 5 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे। बीच में चेक करते रहिएगा कहीं नीचे पूरा पानी सोख तो नहीं हो गया है। तो इस तरह से आप इसको रख दीजिए, कवर कर दीजिए, और ये देखिए फिर बीच बीच में चेक करते रहिएगा। तब तक यहाँ पर मैं आटे की प्रिपरेशन कर लेती हूँ। तो यहाँ पर देखिए बिल्कुल मतलब पक चुका है सब कुछ, अब हम इसको ठंडा होने देंगे। तो यहाँ पर देखिए हमने यहाँ पर 4 कप हमने आटा डाला हुआ है। आटा जो गेहूं का आटा होता है वो हमने यहाँ पर डाला हुआ है। आप चाहे तो मैदा से भी बना सकते हैं, लेकिन हमने थोड़ा हेल्दी वर्जन यूज़ किया हुआ है, तो हमने यहाँ पर आटे का डाला है। और घर में सभी लोग खुश थे कि वाओ आटा का बना है। अब यहाँ पर थोड़ा सा मैंने चीट कर दिया, तो मैंने 1 कप जो है वो डाल दिया मैदा। आप पूरा आटा यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसमें भी पता नहीं चला था क्योंकि 4 कप उसमें और 1 कप मैदा, पता ही क्या चलेगा। अब हमने बीच में यहाँ पर फिर एक होल सा कर लिया इस तरह से, और यहाँ पर मैंने 2 टेबल स्पून फुल जो है आप देख सकते हैं जैसे कि 2 टेबल स्पून फुल मैंने वेजिटेबल ऑयल डाला हुआ है। तो जो भी आप ऑयल यूज़ करना चाहें, वेजिटेबल ऑयल वैसे इसमें यूज़ किया जाता है इस तरह से, तो हमने यहाँ पर ये डाला हुआ है। और अब हम यहाँ पर ईस्ट
का यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले तो मैंने चीनी डाल दी है, तो चीनी मैंने लगभग 1 टेबल स्पून डाली हुई है, और ये 2 टीस्पून मैंने इंस्टेंट जो ईस्ट आती है वो मैंने डाली हुई है। अगर आपके पास ईस्ट नहीं है तो आप जो है इसमें पहले तो आप इसमें दही डाल सकते हैं, फिर उसके बाद आप बेकिंग सोडा डाल सकते हैं और बेकिंग पाउडर डाल के भी इस तरह से आप इसमें खमीर बना सकते हैं और इससे भी बना सकते हैं। तो मेरे पास ईस्ट थी इसलिए मैंने ईस्ट का यूज़ किया और इसको अच्छी तरह से इस तरह से मिक्स कर लिया। सबसे पहले तो आपको पूरे आटे में इसको मिक्स कर लेना है, और इसमें पता है थोड़ा कुछ भी इंस्टेंट मतलब इसमें बस आप डायरेक्ट डाल दीजिए और ये बनके हो जाएगा तैयार। बिल्कुल आपको इसमें जो ईस्ट को पहले से प्रिपेयर करने की भी ज़रूरत नहीं है, जैसे 20 मिनट छोड़ना पड़ता है ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं। अब इसको हमें जो है आटा इस तरह से डो इसका तैयार करना है, जो रोटी जैसे डो बनता है तो रोटी से लूज आटा होना चाहिए, थोड़ा सा इसका लूज आटा ही बनता है तो अच्छा बनेगा, बढ़िया सॉफ्ट सॉफ्ट बनके तैयार होंगी हमारी नान या फिर रोटियां जो तंदूरी रोटी बनने जा रही है वो बनने जा रही है। तो अब हम यहाँ पर आटे को इस तरह से जो है इस तरह से गूंथ लेंगे। इस तरह से आप देख रहे हैं मैं पूरा गुस्सा जो है आटे में निकाल दो आप अपना जो भी फ्रस्ट्रेशन है, और इस तरह से इसको पटक दो और इस तरह से लंबा लंबा स्ट्रेच करो इसको इस तरह से, थोड़ा सा लगभग 4 मिनट तक आपको इस तरह से करना पड़ेगा। फिर उसके बाद ये बढ़िया डो बन के हो जाएगा तैयार। ऊपर से ऑयलिंग कर दीजिए इसमें अच्छे से और फिर उसको कवर करके रख दीजिए लगभग 20 मिनट। 20 मिनट में अच्छे से आप देखेंगे कितना बढ़िया फूला फूला बन के हो जाएगा तैयार बिल्कुल। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने इसको कवर करके रख दिया, अभी 20 मिनट बाद आप देखेंगे। अब हम ग्रेवी के प्रिपरेशन करते हैं। ये देखिए पूरा जो है ठंडा हो चुका था, और तेज पत्ता इसमें हटा देना, और जो बड़ी इलायची है ना बड़ी इलायची के दाने निकाल लेने, और जो ऊपर का कवर है वो हटा देना। दानों से इतना गजब टेस्ट आएगा ना, तो पूरे के पूरे दाने बस निकाल लीजिए इसमें और दाने पूरे ग्रेवी में पीस लीजिएगा इसको। अब हम यहाँ पर इसको पीस लेते हैं। आपको यहाँ पर जो है बिल्कुल फाइन पेस्ट करना है, कुछ भी खड़ा वड़ा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल फाइन पेस्ट। बाहर वाले तो पता क्या करते हैं इस ग्रेवी को भी छानते हैं, लेकिन हम यहाँ पर छानेंगे वगैरह कुछ नहीं, इतना भी नहीं हमें वो करना है, लेकिन मतलब इतना फाइन वो बन जाएगा। बस आपको इसको लेना है अच्छे से। अब यहाँ पर जब हमने देखा कि ये देखिए अभी भी थोड़ा सा खड़ा है ना, तो हम यहाँ पर इसको फिर से पीसेंगे, लेकिन यहाँ पर हम एक चीज़ करेंगे कि यहाँ पर हमने 1/2 टीस्पून जो है वो हमने डाला हुआ है देगी मिर्च, इससे कलर बहुत अच्छा आने वाला है। तो इसी स्टेज पे देगी मिर्च डाल दीजिए 1/2 टीस्पून, खड़ी अगर देगी मिर्च है तो वो भी डाल सकते हैं। अब हमने इसी पैन में हमने मस्टर्ड ऑयल फिर से डाला, यहाँ पर सरसों का तेल लगभग 4 टेबल स्पून हमने डाला हुआ है, और हींग डाल दिया मैंने, तो हींग लगभग 1 टीस्पून हींग डाली हुई है मैंने। सारी चीज़ें ना डिस्क्रिप्शन में गिवन, आप वहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं देख सकते हैं। अब ये जो पेस्ट बना था ना, इस पेस्ट को हमने यहाँ पर डाल दिया और इसको हम अच्छी तरह से मीन्स के लगभग 1 मिनट के लिए हम सॉटे करेंगे। पूरा जो ये जार में जितना भी ये रखा हुआ है पूरा ये जो पेस्ट है ना, इसको हम क्या करेंगे इसमें पानी डाल के आप पूरा इसको पेस्ट को इसमें मिला लीजिए और ये पूरा ग्रेवी में आप यूज़ कर लीजिएगा। तो ये देखिए इस तरह से। फिर हमने यहाँ पर हल्दी पाउडर डाला, तो 1 टीस्पून हमने हल्दी पाउडर डाला, नमक स्वाद अनुसार लगभग मैंने 2 टीस्पून नमक डाला था, और फिर उसके धनिया पाउडर मैंने डाला, तो धनिया पाउडर लगभग मैंने 2 टीस्पून डाला हुआ है, गरम मसाला 1/2 टीस्पून मैंने डाला हुआ है। तो ये सब डालने के बाद मैंने वही जो जार में जो पानी वो किया था वो पूरा मैंने पेस्ट वाला पूरा पानी यहाँ पर डाल दिया, और इसको अच्छे से मैं लगभग जो है 2-3 मिनट तक कुक कर लूँगी। लो फ्लेम में करना है, नहीं तो काजू का पेस्ट पड़ा हुआ तो फिर क्या होगा कि वो नीचे से लगने लगेगा, और इसको चलाते जरूर रहना, और लो फ्लेम मीडियम टू लो फ्लेम में आपको उसको कुक करना है, चलाते जरूर रहना, इधर उधर भाग मत जाइएगा कहीं पर। फिर उसके बाद यहाँ पर हम कसूरी मेथी डाल लेंगे, तो कसूरी मेथी को ग्रश करके आप इस तरह से डाल लीजिएगा, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, क्योंकि यहाँ पर धनिया इसमें नहीं जाने वाली है तो इसीलिए कसूरी मेथी का बहुत अच्छा टेस्ट आने वाला है। इस तरह से आप देखिए बबल्स होना फॉर्म होना शुरू हो गए हैं, मींस कि ये ग्रेवी पकना शुरू हो गई। यहाँ इसी स्टेज पर हमने ये टोटली ऑप्शनल है, लेकिन इससे ग्रेवी का जो कलर है वो बहुत अच्छा आता है। तो यहाँ पर रोगनी मिर्च जिसको बोलते हैं या फिर कश्मीरी लाल मिर्च बोलते हैं, कश्मीरी पाउडर, वो हमने यहाँ पर डाल दिया लगभग 1 टीस्पून, तो इससे एट द एंड ना कलर बहुत अच्छा आएगा। और ये देखिए बढ़िया जो है ये फटकने लगी है, बबल्स बिल्कुल होने लगे हैं, मींस कि ग्रेवी जो है बिल्कुल अच्छे से प्रिपेयर हो चुकी है, और वैसे भी ग्रेवी जो है वो उसमें बॉईल हो गई थी तो पक तो चुकी थी। अब यहाँ पर हम पानी डाल देंगे इसी स्टेज पर, और इसको हमें गाढ़ी गाढ़ी बनाना है, ज़्यादा इसमें पानी नहीं भरना है हमें, तो लगभग 5 मिनट हमें बॉईल करना है, तो इसीलिए हम इसको पानी जो है उसी अनुसार डालेंगे, ज़्यादा पतली ग्रेवी इसकी ना बने। तो यहाँ पर हमने लगभग 1 कप हमने पानी डाला हुआ है, और इस तरह से इसको देखिए हमने डाल दिया। अब हम यहाँ पर इसमें बॉईल आने देंगे, तो बॉयल ज़रूर आने दीजिएगा, उसके बाद ही आपको काजू वगैरह ऐड करना है, और सबसे लास्ट में मखाने ऐड करने, मखाने पहले ही मत ऐड कर दीजिएगा सबसे लास्ट में। तो ये देखिए बॉयल आना शुरू हो गया और कितना बढ़िया जो है कलर भी फॉर्म हो चुका है। तो अब इसी स्टेज पर हम डाल देंगे काजू, तो काजू पर हमने यहाँ पर डाल दिए हैं, जो हमने काजू जो रोस्ट किए थे फ्राई किए थे घी में वो हम यहाँ पर डाल देंगे, और आप ग्रेवी देख सकते हैं अभी आपको बहुत पतली लग रही है, और आप जब सब्जी बन के तैयार होगी ना तब आप देखेंगे कि क्या टेक्सचर बना, बिल्कुल बिल्कुल ढाबा वाली फीलिंग आने वाली है, और
बहुत, मैं क्या बताऊँ, आप बनाओगे तब आपको पता चलेगा। यहाँ पर फिर उसके बाद मैंने नमक टेस्ट कर लिया था कि नमक है कि नहीं है, कि नहीं तो फिर मैं नमक ऐड कर दूँ, तो यहाँ पर सब कुछ ठीक था। अब हम यहाँ पर देखिए, मैंने काजू ऐड कर दिया, तो आप देख सकते कि ये बॉयल बहुत अच्छे से आने लगा है, तभी मैंने काजू वगैरह ऐड कर रही हूँ। मीन्स कि लगभग मैंने 3 मिनट बाद मैंने ये सब चीज़ें ऐड करी हैं। तो यहाँ पर मैंने काजू ऐड करने के बाद फिर मैंने कवर कर दिया, लगभग 5 मिनट तक इसको कुक किया है। तो अब देखिए यहाँ पर हम मखाने जो हैं वो हम ऐड कर देंगे। तो लगभग 5 मिनट बाद ही आपको, 5-6 मिनट बाद जब ग्रेवी आपको लगे कि ग्रेवी भी कुक हो चुकी है, तब आपको इसको ऐड करना है। यहाँ पर ये देखिए, सबसे पहले तो हमने मलाई जो है वो डाल दी, घर की मलाई जो होती है वो हमने डाल दी। तो इसमें थोड़ा सा रिचनेस और करने के लिए हमने यहाँ पर मलाई डाल दिया है। तो इस तरह से आप, अगर आपके पास क्रीम है तो आप क्रीम भी ऐड कर सकती हैं। ये देखिए बिल्कुल क्रंची वाले हमारे जो मखाने हैं उनको आप डाल दीजिए। जब लगे कि हाँ सब्जी बिल्कुल बनने को तैयार है, तभी आपको मलाई भी डालनी या फिर क्रीम डालनी है। अब इसको लगभग 2-3 मिनट और कुक होने दीजिए। ये देखिए क्या गजब लग रही है, आप देखिए तो। और जब ये थोड़ी सी ठंडी होगी ना, तो ऑटोमेटिकली ये थोड़ी सी गाढ़ी हो जाएगी। अभी आपको लग रहा है कि ये पतली पतली है, थोड़ी सी लग रही है, लेकिन जब ये ठंडी होगी, ठंडी में ही इसमें बहुत अच्छा स्वाद आएगा। तो मीन्स कि आधे घंटे बाद ही इसको खाइएगा। तो तब तक हम अपनी रोटियां भी बनाना शुरू कर देंगे, तो रोटियां भी गर्मा गर्म हम सर्व करेंगे। तो ये देखिए अब बिल्कुल बनके हो गई तैयार सब्जी, बहुत ही गजब लग रही है, परफेक्ट बिल्कुल टेक्सचर है और स्वाद तो इतना लाजवाब है कि आप जब बनाएंगे तब, और मैं क्या ही बोलूँ, आपको बनाना ही पड़ेगा इसको। और फिर उसके बाद यहाँ पर हम थोड़ा सा गार्निश आपको दिखाने के लिए हम यहाँ पर, और आप भी ऐसे प्रेजेंट कर सकते हैं, थोड़ी सी क्रीम ऊपर से आप डाल सकते हैं। आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया लग रही, इतनी रिच सब्जी, ओए होए कोई क्यों नहीं खाएगा, मखाने काजू ओफो। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आटे का क्या हाल हुआ है, मीन्स कि कितना अच्छा है इसमें खमीर बन चुका है, बहुत अच्छा खमीर बन चुका है। अब हम इसको पंच मारेंगे, इसमें घूंसे हम मारेंगे। तो यहाँ पर ये देखिए हमने इसको अच्छे से हमने घूंसे मार दिए हैं। अब इसको हम थोड़ा 2-3 मतलब 1 मिनट तक हम इसको इसी तरह से बस हम गूंथ लेंगे फिर से, और फिर उसके बाद हम इसकी प्रिपरेशन करते हैं रोटियां बनाने की। तो यहाँ पर हमने तिल लिया हुआ है, काला तिल जो होता है वो लिया हुआ, थोड़ी सी धनिया जो है वो हमने ली हुई है, हरी धनिया बिल्कुल फ्रेश वो लिया हुआ है। अब हम यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे कि ये काला तिल है और यह हरी धनिया है। अब हम यहाँ पर बॉल लेंगे, डो जो है वो लेंगे। यहाँ पर सबसे पहले आप तवा रख दीजिए, तवा को आप मीडियम फ्लेम में कर दीजिए, लो फ्लेम में कर दीजिए, और फिर उसके बाद आप इसको छोटी सी लोई लीजिए, मींस की रोटी रोटी के साइज से आप बड़ी जो है वो लीजिएगा। और इसको आप यहाँ पर फिर थोड़ा सा, एक कटोरी में मैंने ले लिया पानी, क्योंकि हमें तवे में इसको चिपकाना है, तो इसीलिए हमने यहाँ पर ले लिया थोड़ा सा पानी, और थोड़ा सा हमने पाउडर मींस की मैदा ले लिया है। उसको हम कैसे से हम यूज़ करेंगे, क्योंकि ये थोड़ा सा स्टिकी है, तो इसलिए हमने मैदा हल्का सा बस मैदा लिया हुआ है। अब ये देखिए इसी तरह से आप बना लीजिए, मोटी थोड़ा सा डबल जो रोटी होती है उस हिसाब से आप लीजिएगा, लोई जो है डबल रोटी के हिसाब से लीजिएगा। तो यहाँ पर अब हम यहाँ पर तिल हम लगा देंगे, और फिर उसके बाद धनिया लगा देंगे। थोड़ा सा अगर तिल नहीं चिपक रहे तो आप पानी का यूज़ कर सकते हैं, हल्का हल्का पानी ऊपर से लगा सकते हैं, और फिर उसके हल्के से आप प्रेस करके इस तरह से बना लीजिए। और फिर तवा आपका गर्म हो गया है, पानी बहुत अच्छे से पीछे लगा लीजिएगा, बहुत अच्छे से पानी लगा लीजिएगा, और फिर उसके बाद इसको आप तवे में डाल दीजिए। तवा ऑलरेडी गर्म है तो वो चिपक जाएगी, और ऊपर से आप ना फिंगर की हेल्प से आप इसको चिपका दीजिएगा, मीन्स कि हल्का हल्का प्रेस करके आप इसको थोड़ा सा तवे में और चिपका दीजिएगा इस तरह से। तो ये देखिए इस तरह से बिल्कुल, अब ये बिल्कुल इसको आप मीडियम मीन्स कि लो फ्लेम में कर दीजिएगा, लो फ्लेम में। ये धीरे धीरे बबल्स आप देख रहे हैं किस तरह से फॉर्म होना शुरू हो गए हैं, तो इस तरह से इसमें बबल्स फॉर्म होना शुरू हो जाएंगे। मैं सच बता रही हूँ, मेरे पापा ने जब इसको खाया ना, तो उन्होंने सबसे पहले यही बोला था, इतनी मुलायम रोटियाँ, मतलब उन्होंने भी इतनी मुलायम रोटी उन्होंने खाई है। और इसको फिर मेरे हस्बैंड ने बोला कि ये रोटी रखी भी रहेगी, मतलब रखी भी रहेगी ना, तो भी क्योंकि उनकी एक रोटी थोड़ा उन्होंने लेट खाया तो रखी रह गई थी, तो भी वो बिल्कुल सॉफ्ट थी। तो अब आप सोच लीजिए बिल्कुल सॉफ्ट रोटी बनके हो जाएगी तैयार। अब यहाँ पर उल्टा तवा करके आपको चारों तरफ से इस रोटी को सेक लेना है, और जो फ्लेम है वो आपको मीडियम टू लो में ही रखना है। कभी आप मीडियम कर सकते हैं, कभी लो कर सकते हैं, लो में ही रखिएगा तो रोटी जो है वो जलेगी नहीं और बहुत अच्छे से कुक हो जाएगी। तो इस तरह से देखिए आप कितनी बढ़िया रोटी सिकी भी हुई है, और बस इसको बटर है तो बटर से लगा दीजिए, बटर का स्वाद इसमें बहुत अच्छा आएगा, नहीं तो घी है तो घी लगा दीजिए, और ऐसे भी आप खा सकते हैं, लेकिन बटर या घी लगा देंगे ना तो इसमें और भी क्या बोलूँ, चार चांद लग जाएंगे। और पीछे से देखिए कितने अच्छे से कुक हुई है ये रोटी। तो इसी तरह से सारी
सारी रोटियां आप बनाते जाइए और अपने घर वालों को खिलाते जाइए। ये देखिए बटर मैंने लगा दिया था, तो मैं रिकॉर्ड करना भूल गई थी वहाँ पर, तो उसके लिए सॉरी। रेसिपीज अच्छी लग रही तो मैं फिर से बोलूँगी, मुझे सपोर्ट करिए और मुझे बहुत अच्छा लगेगा। आप कहाँ से देख रहे हैं सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और कैसी लगी आपको रेसिपी ज़रूर मुझे बताइएगा। बस इसी तरह मुझको सपोर्ट करती रहिए, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो यहाँ पर देखिए, अब मैं दूसरी रोटी भी बनाने जा रही हूँ। इसी तरह से आपके पास काला तिल है तो आप उसको वो भी यूज़ कर सकते हैं, नहीं है तो आप इसको टोटली अवॉइड भी कर सकते हैं। तो ये देखिए, अभी मैंने दूसरी रोटी भी बना ली है और यहाँ पर ये देखिए काला तिल फिर से मैंने यूज़ किया। फिर से इसी तरह से बस यहाँ पर आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, जो पीछे साइड में पानी है ना, पानी बहुत अच्छे से लगाइएगा। और थोड़ा सा तवा आप, और जब दूसरी रोटी बना रहे हैं तो तवा आप बिल्कुल लो फ्लेम में कर दीजिएगा। नहीं तो फिर क्या होगा कि वो रोटी जो है, अगर आपके साथ ऐसा होता है कि रोटी जो है वो उल्टा करने के बाद गिर जाती है, तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। आप क्या करिए, जो आपका चिमटा होता है उससे आप पकड़िए रोटी, और जैसे आप सेकते हैं ना, तो उस मतलब सीधे साइड पे आप सेक लीजिए उसको। अगर इनकेस ऐसा होता है आपके साथ, तो मैं बता रही हूँ, तो आप उसको क्या कर सकते हैं, मतलब उसको जैसे रोटी सेकी जाती है नॉर्मल, उस तरह से आप उसको सेक लीजिएगा, और पीछे साइड तो वो ऑलरेडी सिकी हुई है ही। तो ये देखिए इस तरह से कितनी बढ़िया बढ़िया रोटियाँ बनके तैयार हो गई, और अभी मैं आपको कट करके दिखाऊंगी कि कितनी मुलायम रोटी बनी हुई है। अब यहाँ पर हमने सर्व कर दिया सब्जी को, सब्जी के अब आप टेक्सचर देख सकते हैं कि बिल्कुल परफेक्ट जो है वो ग्रेवी बनी हुई है यहाँ पर। ये देखिए मखाने, काजू, बिल्कुल परफेक्ट ढाबा स्टाइल सब्जी बनके हो गई तैयार, बिल्कुल शाही सब्जी बनके हो गई है तैयार। तो ज़रूर से ज़रूर आप इसको खाएंगे ही खाएंगे। और फिर उसके बाद मैंने गार्निश कर दिया क्रीम से। और यहाँ पर मैंने क्या यूज़ किया, जैसे मैंने बताया मैंने घर की जो मलाई होती है फ्रिज में रखी हुई, वो मैंने यहाँ पर यूज़ करी हुई है। और तो आप भी उसको हल्का सा फेंट लीजिए, और या फिर आपको लग रहा है कि वो थोड़ा सा मक्खन फॉर्म हो रहा है तो आप उसमें थोड़ा सा दूध डाल के उसको फेंट लीजिए। यहाँ पर देखिए मैंने ये प्याज लिया, प्याज में थोड़ा सा मैंने नींबू निचोड़ दिया था। आपने जितनी मेरी रेसिपीज़ देखी होंगी, मैं ये इस तरह बहुत प्याज यूज़ करती हूँ। और यहाँ पर देखिए ये बिल्कुल आपकी परफेक्ट थाली बनके हो गई तैयार एक। और रोटियां देखिए कितनी सॉफ्ट बनी हुई है अंदर से, बिल्कुल सॉफ्ट। ये देखिए आप कैसे मतलब टूट रही हैं हाथों से। अब इसको आप खा लीजिए, इसमें प्याज लगाइए, प्याज का कॉम्बिनेशन तो इसमें ज़रूर से ज़रूर यूज़ करिएगा, और नींबू निचोड़ लीजिएगा ज़रूर इसके साथ, बहुत अच्छा लगता है। अब आप मेरा रिव्यू देखिएगा कि मतलब मैंने तो इतनी देर बनाने के बाद खाया तो मेरा क्या रिव्यू था। ढाबा वाली फीलिंग।